आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान एक बार फिर जल उठा है। 5% आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जरों का आंदोलन एक बार फिर पटरी पर पहुंच गया है। ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगने के साथ ही जिंदगी की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। अब हालात ये हैं कि गुर्जरों के आंदोलन की वजह से दिल्ली मुंबई रूट पर चलने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, साथ ही कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। दरअसल गुर्जरों ने अपनी मांग को लेकर सरकार को 20 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार की ओर से जब कोई आश्वासन नहीं मिला तो सड़क से पटरी तक आंदोलन शुरू कर दिया गया। गुर्जर चाहते हैं कि उन्हें राजस्थान में अलग से 5% आरक्षण मिले। ये आरक्षण ओबीसी कोटे या फिर किसी और कोटे में हो। अभी तक गुर्जरों को मोस्ट बैकवर्ड क्लास के तहत 1% आरक्षण मिला है, जबकि ओबीसी को 21, एसटी को 12, एससी को 16% का आरक्षण दिया गया है। आपको बता दें कि 2008 में भी कांग्रेस ने गुर्जरों को 4% आरक्षण देने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया था। फिर 2014 में बीजेपी ने गुर्जरों के आरक्षण का वादा किया, लेकिन कोर्ट ने दोबारा से मना कर दिया। इस बार बैंसला बोल रहे हैं कि बिना फैसला नहीं मानेंगे। गुर्जरों का साफ कहना है कि 10 दिन में स्वर्णों को आरक्षण तो 10 साल में उन्हें क्यों नहीं मिला। इस हंगामे और आंदोलन की पृष्ठभूमि का अगला हिस्सा क्या होगा कोई नहीं जानता। पटरी पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम है जो गुजरते वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पिछले आंदोलनों की तरह ही इस बार फिर गुर्जरों का आंदोलन लोगों की जान लेगा। गुर्जर नेताओं की जिद पिछली बार 72 लोगों की जान ले चुका है और एक बार फिर से वही चेतावनी, वही आंदोलन, वही तस्वीर। टीम न्यूज़ नुक्कड़।